प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रीवा रोड पर जारी गांव पड़ाव के पास बड़ा हादसा होते होते बचा। नियंत्रित ईट लदे ट्रैक्टर ने मध्य प्रदेश की ओर जा रही एक बोलरो में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली भी पलट गई। सारा ईट हाईवे पर बिखर गया और सवारियों से भरी हुई बोलरो चारों खाने चित हो गई। गंगा स्नान कर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे बोलरो में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह निकाला। जारी चौकी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिंगरौली जिले के रहने वाले आधा दर्जन बोलरो सवार लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि बोलरो में सवार लोग गंगा स्नान करने के लिए आए थे और जैसे ही वे जारी गांव के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार से आ रही घूरपुर ईट भट्टे का एक ट्रैक्टर जोरदार टक्कर मारते हुए आगे जाकर पलट गया, जिससे उसका ड्राइवर भी जख्मी हो गया। बताया जाता है कि सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ये घटना शुक्रवार सायं 4:40 की है। इसके थोड़ी देर पहले जारी गांव से प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद मूर्तियों की स्थापना के लिए शिव बारात उसी रास्ते से निकली थी।